कार्यक्रम तारे आंखते ने देख रहे हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 20 तारीख को यानी कि जून को बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और बुध अपनी राशि मिथुन से अब चले जाएंगे कर्क में। कर्क में ये रहेंगे कुल 18 दिन और यानी कि जुलाई तक, 7 जुलाई तक। हालांकि ये जो 18 दिन का बुध का गोचर का राशि परिवर्तन है और बुध की यात्रा है, ये पीड़ा देने वाली हो सकती है क्योंकि कर्क राशि में बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं। सो इसमें जातकों की सोच, जातकों की टेंशन, डिप्रेशन का स्तर बढ़ सकता है। ऐसे में बुध का सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कर्क राशि वालों के जातकों के लिए। धनु लग्न के जातकों की सबसे पहले बात करते हैं कि बुध उनके अष्टम भाव में होगा और अष्टम भाव प्रबल मार्केश माना जाता है। सो ऐसी हालत में धनु लग्न वालों के लिए मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं और जिंदगी जीने के प्रति उदासीनता की भावना आ सकती है। उससे बचने के लिए जरूरी है कि बुध के उपाय किए जाएं। इसी तरह ही सिंह राशि वालों के लिए बुध आ जाएंगे उनके 12वें भाव में, यानी कि कोर्ट कचहरी मान सम्मान के साथ जुड़ी तमाम टेंशन जो है उनको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो ऐसे में आप जो है विजय यंत्र की पूजा कीजिए और हर महीने में एक बार बुधवार को ही मंदिर की छत पे लाल झंडा बांधिए। मिथुन लगन वालों का बुध जो है कर्क राशि में दूसरे भाव में आ जाएगा, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी बोली को काबू में रखिए क्योंकि जरा सी बोली खराब हुई उधर आपकी लड़ाई शुरू करवा सकती है। ऐसे में गले की और दाई आंख की समस्या भी आपको आ सकती है। इसी तरह कुंभ लगन के जातकों के लिए बुध उनके छठे भाव में कर्क राशि में होंगे। आपको बहुत जरूरी है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो सारा ध्यान आप ड्राइविंग पर ही लगाओ, रोड को देखते रहो और किसी भी हालत में मोबाइल का इस्तेमाल ना करो और इधर उधर ना देखो और कुछ भी आलतू फालतू ना सोचो ताकि ध्यान लगने के कारण या किसी भी ध्यान हटने के कारण एक्सीडेंट के आसार ना बन जाए। वैसे आप वाहन सुरक्षा यंत्र अपने व्हीकल पे लगा के 43 दिन तक उसकी पूजा जरूर करो। फिर बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए बुध उनके 7वें भाव में आएंगे कर्क राशि में, तो मकर लग्न वालों के लिए असर होगा कि बुध उनकी बीवी के साथ मानसिक रूप में तनाव पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं और आपस में बिगाड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब जन्म कुंडली में जिनका बुध पहले से ही खराब है, जिनका चंद्रमा भी खराब है, वह एक पावरफुल उपाय कर सकते हैं। उनको हर बुधवार या हर सोमवार कम से कम 9 कन्याओं यानी कि 1 साल से 9 साल तक की बच्चियों को दूध जो है चीनी मिला हुआ वो देना है और साथ में मिश्री और दक्षिणा, ये देकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेने हैं। फिर ऐसे में बुध का 18 दिन का राशि परिवर्तन आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। 20 जून को बुध जा रहे हैं कर्क में, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, और 22 को मंगल भी कर्क में आ जाएंगे। आपको मालूम है कि मंगल कर्क में आने के बाद हो जाते हैं नीच के, यानी कि लड़ाई झगड़ा उत्तेजना नेगेटिविटी और भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स की दिक्कत। अब क्योंकि बुध एक इम्पॉर्टेंट यानी कि एक नपुंसक प्लैनेट है तो मंगल के साथ युति बनाने पर नीच के मंगल के जैसे ही वो रंगत दिखाएंगे और 7 जुलाई तक बुध और मंगल की युति हमने जितनी पहले परेशानियां बताई हैं उनको भी और ज्यादा घातक करके आपकी समस्याओं को बढ़ा सकती है। ऐसे में जिनका मंगल पहले से ही खराब है वह अपने भाइयों से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा करें और लाल रंग की चीजों का मैक्सिमम दान करें। फिर भी आपको लगता है समस्या बहुत ज्यादा है तो आप समय लेकर हमसे मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में परामर्श कर सकते हैं। ज्योतिष ऑलवेज अप टू 95% जो तकदीर में लिखा है होना ही होना है, लेकिन उपाय करके कुछ ना कुछ उसमें राहत मिलती है, जो मिलना है कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है, आप स्ट्रांग हो सकते हो। तो ज्योतिष हम 95% तक ही मानते हैं, हमारा ये निजी विचार है। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आज का एपिसोड, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सेम नाम से हमारा व्हाट्सएप का भी जो पेज है और फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि सुखविंदर जी हम भी आकर आपसे मिलना चाहते हैं, तकदीर का हाल जानना चाहते हैं, आपसे रतन और रुद्राक्ष लेकर पहनना चाहते हैं, वास्तु का विजिट कराना चाहते हैं या नक्शा चेक कराना चाहते हैं। तो प्रिय दर्शकों इन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले आप समय ले सकते हैं, फिर आकर पूछ सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर,
30G Srabanagar Ludhiana Punjab India phone number 94170205 33 और WhatsApp number 9872620533। जाने से पहले यही कहें कि सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, बेटियों को कोख में मत मारिए और कमाई का दसवां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिए और हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइए, खास करके बुध, इससे आपका स्ट्रांग बनता है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।